हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम टू वीजीओ। आज हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल। और जैसे कि मैंने बोला था कि हांगकांग वाला जो है गेम वो मैं जल्दी लाऊंगा, मतलब एक कि पबजी आया, मतलब जो ये जो ओरिजिनल पबजी है उससे भी पुराना एक सर्वाइवल गेम था जो हांगकांग के अंदर रिलीज़ हुआ था बाय जापान। मतलब जापान का ऐसा कोई गेम था जो कि हांगकांग में रिलीज़ हुआ था। तो हो सकता है मैं आपके लिए ले आऊँ अगर आप लोग बोले तो, बट हाँ सून मैं लेके आऊँगा वो गेम, क्योंकि मैंने अभी खेला है एंड इट्स लुक लाइक फ्री फायर, पर उसके GB बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो GB बहुत ज़्यादा रहता है डाउनलोड करने के लिए, तो हो सकता है मैं आपको लाके दूँ। बट हाँ जो भी है, जैसा भी है, बढ़िया है, मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा कि कब आएगा वो, बट अभी कुछ नहीं बोल सकता। जैसे आएगा वैसे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। वैसे भी तो यहाँ पर हमें बंदा दिख गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए क्योंकि गेट खुला है। अब मुझे लग रहा है बंदा वहाँ पे है, तो मैं देख रहा हूँ और बंदा दिखा मुझे, फाइनली गोली मारी और उसने गेट वहाँ पे बंद कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग उतरे हैं मिलिट्री बेस पे, और यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत गन मिल गई है, जिसके बाद हमारे पास एक VSS है और एक शॉट गन। ये मैं आपको थोड़ा सा लिटिल सा ब्रीफ दे दिया मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या क्या था। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे बंदे की, क्योंकि बंदा मेरे को जस्ट सामने ही दिख गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर बंदा मुझे दिख गया था, अब मुझे मारना था उस बंदे को। उस बंदे को मालूम था कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उसने क्या करा है कि वो इसने एक बार गेम खोला, गेट खोल कर, और वो आ गया इधर। तो यहाँ पे वो कवर पे था, उसको मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बट मैं तो पूरा स्कोपिंग करके उसको इधर उधर देख रहा था। उसमें मेरे को वो मुझे जैसे ही दिखा, तो वैसे ही मैं धीरे धीरे उसके ऊपर रश करने लगा। मैं थोड़ा कवर लेकर के जा रहा था, क्योंकि उसके पास कौन सी गन है क्या मालूम, कैसे भी निपटा सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली मुझे दिखा, मैंने उसको मारा, एक ट्राई किया नहीं पड़ी। फिर मैंने सोचा दूसरी साइड से जाकर निपटाऊंगा इसको। यहाँ पे हो गया था वो नॉक, तो मैंने बोला कि चलो उसके बंदे के पहुँचने से पहले मैं उसको रश मार देता हूँ, जिसकी वजह से दोनों को, अगर किस्मत रही तो दोनों को मैं निपटा दूंगा, और अगर नहीं तो सिंगल ही बंदा निपटा देंगे। तो मुझे दिखा पहले एक ही था, तो मैं तो बिना देखे रश मार दिया। तो यहाँ पे एक किल हो गया था मेरे पास। अब मुझे चाहिए थे और भी कई सारे किल, क्योंकि ये गेम जीतना था। तो यहाँ पे मैं ना लूट वूट कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बंदा राइट साइड से जो सी बिल्डिंग है वहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था खुले में, वो भी बिना मुझसे पूछे। तो मैंने बोला कि यार भाई अगर तू ऐसे खुले में चलेगा तो VSS मेरे पास है, मैं तेरे को निपटा दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार VSS को गिराया जाए और यहाँ पे उठा ली जाए एक M416। तो मैंने उठाई M416, उस पर 3x लगाया, उसको मारा थम। यहाँ पे उसको कर दिया पूरी तरीके से हमने ख़त्म, और यहाँ पे उसका भी आ गया था किल। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लूट उठ करके भागा, तो वैसे ही मुझे गोली पड़ना चालू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब पहले इसको निपटाए, बट किस्मत ही इसलिए ख़राब थी क्योंकि एक बंदा था यहाँ पे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, और मुझे कुछ भी लूट नहीं मिल रही थी यहाँ पे भाई। यहाँ पे मतलब हेल्थ किट वगैरह कुछ भी नहीं थी, और एकदम से बॉट सामने आ गया, उसके दो शॉट की वजह से मैं हो गया था वहीं पे नॉकडाउन। अब मैं वहाँ पे नॉकडाउन हो गया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बट फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई बंदे थे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आगे गए, तो गाड़ी दिख गई थी मुझे, मैं तो बंदा नीचे आया, मैं तो गाड़ी में से बाहर निकल के उसको निपटा देते। यहाँ पे एक किल आ गया था, और यहाँ पे ये लोग बंदे ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा लूट किया जाए, और मैं तो भट्टे से ऊपर भाग गया। तो मैं मतलब फुल टू अपना ध्यान रख के जा रहा था, और ये शायद से बहुत बड़ा नूब थे या पहली बार खेल रहे थे, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ यहाँ पे मैंने उसके पार्टनर को भी देखने की कोशिश पर कोई नहीं था, तो मैंने सोचा इसको निपटा, यहाँ पे इसको तो निपटा दिया अपन। यहाँ पे हम देख ही रहे थे, तभी एकदम से एक सामने से बग्गी आ गई मेरे पे, मैंने उसको बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, मतलब मेरा ही किल मान लो, पर साला एक गोली की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक एक गोली की वजह से वो किल मेरे पार्टनर को मिल गया। आपको मालूम है क्या, मेरे को M416 की आवाज़ अच्छी लगती है, जब ये गोली निकलती है ना उसमें से धुंध 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 चलते वक्त, वट 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 एक एक करके जो गोली निकलती है, वो सिचुएशन ऐसा लगता है रियल है। यहाँ पे बॉट था तो उसकी बात कर रहे हैं अपन, बट हाँ वो मेरे को एकदम से ऐसा लगता है कि रियल है, बहुत ही शानदार सिचुएशन।
तो यहाँ पर हमने उसको भी निपटा दिया। और यहाँ पर गोली वोली लूट रहे हैं, यहाँ पर वो बंदा भी निपट चुका है, सब निपट चुके हैं, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि क्या मैं ओरिजिनल गेम खेल रहा हूँ, मतलब क्या मैं रियली इन गेम हूँ या मैं ऐसे बॉट लॉबी में आ गया हूँ गलती से इस बार फिर से, जैसे मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाली कि बॉट की लॉबी में आ गए थे हम लोग गलती से। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इस बार कोई ऐसा तगड़ा मैच हुआ नहीं जिसके अंदर ऐसा लगे कि यार भाई उस बंदे ने मुझे निपटा दिया, इस बंदे ने मैंने ऐसा कुछ सिचुएशन टाइप मैंने उसे निपटा दिया, उसने मुझे निपटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मैं बॉट लॉबी में वापस तो नहीं आ गया हूँ, और मैं पूरी तरीके से माइंड में यही था कि मुझे 100% लग रहा था मैं बॉट लॉबी में आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉट मिल रहे थे, जैसे आप देख सकते हो दो बंदे वैसे वो भी ऐसे नूब की तरह खेल रहे थे, तो हो सकता है वो बॉट हो यहाँ पे फिर से एक बार, और वहाँ पर आप लोगों ने देखा मिलिट्री बेस में। बट हाँ, उधर एक बंदा मुझे रियल मिला था जो कि कार चला रहा था, और ये भी मुझे बॉट ही लग रहा है, बॉट या तो नूब, मेरे हिसाब से तो बॉट ही होगा क्योंकि यहाँ पे इस तरह से तो कोई भी नहीं निपटा सकता इतनी गंदी तरीके से। नो ब्रो, अगर मैं उसकी जगह पे होता ना तो अभी तक तो बंदा मर चुका होता लिटरली, अभी तक तो इतने चांस पे तो मैं उसको निपटा ही देता कि भाई तू तो गया, अब तो गया, तेरा चांस ख़त्म है, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा चांस दे दिए थे, और उसने जहाँ मुझे चांस दिया वहाँ उसने उसकी खुद की मौत बुला दी। वैसे चांसेस तो कम है कि वो बॉट लगे, बट हाँ लग तो रहा था बॉट। यहाँ पे उसने मुझे गोली मार दी थी, मेरी हालत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि यार उसको एक शॉट मार के मैं जंप करूँगा जिससे मुझे गोली सही नहीं लगेगी और मैं बचाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे बंदे दिखे थे, तो मैंने बोला कि चलो अब हम लोग आगे जाएँ बंदे और निपटाए। तो जहाँ हमने ड्रॉप लूटा था वो उसका कोई सेंस नहीं था बताने का, इसलिए मैंने बताया नहीं, बट हाँ जहाँ हमने ड्रॉप लूटा था वहीं पर एक बंदा ड्रॉप लूट रहा था मुझसे बिना पूछे और गाड़ी के साथ, मैंने उसको गाड़ी के साथ ही उड़ा दिया। यहाँ पर मैंने उसको उड़ा दिया और मैं आगे चले गया था, मैं उसको निपटाने ही जा रहा था, बट फिर पीछे से मुझे गोली पड़ गई, तो मैंने बोला छोड़ो भाई। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा चांस होता था हो सकता था कि वो गाड़ी निपट जाती, हो सकता था कि वो मर जाता, बट वो गाड़ी तो भाग गई थी, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे वो किल जो था वो मेरे पार्टनर ने उसको सिक्योर कर दिया और मुझे मिल गया। बट यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मुझे लेना था आखिरी किल पूरी इच्छा के साथ कि 10 किल हो जाते और हो सकता था कि एक ही बार में वीडियो बन जाए, बट हाँ किस्मत ख़राब तो क्या करेगा जनाब, तो यहाँ पे किल तो नहीं मिला। बट हाँ, इसके पहला वाला जो गेम था उसके अंदर कुछ अच्छी क्लिप थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ये किल तो मेरा नाम नहीं था, पर ये जिसके भी नाम था उसको मुबारक। तो यहाँ पे फाइनली हमारा बहुत टाइम बाद चिकन डिनर मिल गया था, स्क्वाड के अंदर बहुत टाइम से खेला भी नहीं था, तो मैंने बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे रोसॉक के अंदर, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं दिख रही, तो यहाँ पे रोसॉक में उतरते थे, मुझे गनवन तो मिल गई थी। अब यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे जिनको निपटाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं बंदे ही देख रहा था कि बंदे हैं कहाँ पे, और मैंने जैसे ही बंदे देखे वैसे ही मेरी गन हो गई चालू शल्ला। यहाँ पे मैंने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे पैरों के और एक को पता नहीं किसी बंदे ने नॉक कर दिया था। यहाँ पे मुझे सारे बंदे दिख रहे थे क्लियरली, मैंने बोला कि सबको निपटाया जाए। तो गलती से मैं जंप मार दिया वहाँ पे, यहाँ पे मतलब सिचुएशन हो गई थी टाइट, मैंने करा रीलोड, सबको निपटा देते हैं अपन। यहाँ पे मेरे पास गोली कहाँ ख़त्म हो गई थी, मैंने बोला यार गन उठानी पड़ेगी और बंदे निपटाने तो पड़ेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे गन उठाई और मैंने बोला कि चलो भाई गोली यहाँ पे तो नहीं है, पर फिर क्या करें। और यहाँ पे मतलब मैं गन वन लेकर के पूरी तरीके से रेडी हो गया था और बंदे निपटाने के लिए,
तो यहाँ पे उधर निपटाने के बाद हम लोग चले गए आगे थोड़ा बंदे निपटाने, क्योंकि यहाँ वहाँ साइड पे तो बंदे पूरे ख़त्म हो गए थे, यहाँ पे थे कुछ बंदे। तो हम लोग यहाँ पे पूरी सेटिंग वेटिंग करके बैठे थे, वही बंदा कहाँ है और फिर उसको फट्टा से निपटाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, फटाफट निपटा करके मतलब जल्दी से जल्दी चिकन डिनर लेने की कोशिश में। तो हम लोग यहाँ पे भाग ही रहे थे बंदे ढूंढने के लिए, और एक जो मेरा पार्टनर था उसको हो गया स्पॉट बंदा, तो वो यहाँ से उसको दे रहा था, उसको डरा रहा मतलब, और मैं वहाँ से घर के अंदर घुस गया। अब पूछो बंदा था वो वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था, पर मैंने यहाँ पे आके उसको नहीं दिया। अब यहाँ पे पूछो बंदा था मतलब जो सामने चल रहा था, उसी की तरह एक बंदा जो आया मेरे पास रश करने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कवर लूँगा, जब वो जैसे ही सामने आ गया मतलब पहले मैं उसको शॉट करूँगा। तो मैंने सबसे पहले M416A उठाई और मैंने उसको बोला कि तू आ सामने मेरे, जैसे सामने आया जैसे M416 ए जो भी बंदे मुझे, और यहाँ पर उसको निपटा दिया। यहाँ पर उसको गेम ख़त्म होते से ही मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बैठ के हील करूँगा, पर फिर मेरे को बंदा दिखा, शायद से वही इसी का पार्ट था। तो मैंने दोनों को निपटा दिया, अब यहाँ पे दोनों के किल हो गए। पता नहीं शायद से बहुत बड़ा नूब था, यहाँ पे किल तो अच्छे खासे हो ही गए अपने भाई, मज़ा आया पर खेलने में।